हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ मम्मी विलेज रसोई चैनल में। दोस्तों आज हम आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे हमने पानी ले लिया है। पानी में आलू टमाटर को हम सबसे पहले धो लेते हैं, उसके बाद हम आलू को छील लेंगे। हमने ज़्यादा बड़े आलू नहीं लिए हैं, मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। सारे आलूओं को हमने इस तरीके से छील लिया है। दोस्तों यहाँ पे हमने चुकंदर का छोटा सा टुकड़ा लिया है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है। अब हमने यहाँ पे अदरक का टुकड़ा लिया है, अदरक को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे दो टमाटर लिए हैं, टमाटर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। टमाटर, अदरक, चुकंदर को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि ये आसानी से पिस जाए। तीन हमने हरी मिर्च ले ली थी, मिर्च को हमने लंबे लंबे स्लाइस में काट लिया है। अब हम मिक्सर जार को उठा लेते हैं जो कि हमने पटिया पे रखी हुई है, तो इस तरीके से हम पन्नी में रख देते हैं ताकि डस्ट ना बैठे। और अब हम टमाटर का पेस्ट इस तरीके से बना लेंगे। टमाटर के पेस्ट को हम एक कटोरी में रख लेते हैं और थोड़ा सा पानी डाल के हम मिक्सर जार को धो देंगे। छोटी सी जगह में सामान एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो हमने मिक्सर जार को पटिया पे रख दिया है और यहाँ पे हरा धनिया काट लिया है। अब हमने यहाँ पे गैस को ऑन कर लिया है और कुकर रख दिया है। कुकर में हम एक करछली रिफाइंड तेल डाल देंगे। दोस्तों आप सरसों का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिफाइंड तेल गर्म हो गया है। अब हम एक चुटकी हींग डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, आप प्याज लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। अब हमने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। अब हम एक चम्मच साबुत धनिया डाल देते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे, आप मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। हमने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है लेकिन गलती से क्लिप हट गई है, तो आप डाल देना गरम मसाला। तो 2 से 3 मिनट के लिए हमने मसाले को पका लिया है, आप देख सकते हैं तेल अलग होने लगा है। अब हम आलू को डाल देंगे, आलू को हमने काटा नहीं है। आलू के साथ साथ हम कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे ताकि आलू तेल में अच्छे से फ्राई हो जाएं। उसके बाद हम यहाँ पे 2 कटोरी पानी डालेंगे सब्ज़ी में, आप अपने हिसाब से सब्ज़ी में पानी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों जिस तरीके से हमने आपके लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाना बताई है, इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। पानी डालने के बाद हमने मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और कुकर में हमें 2 सीटी लगा लेनी है, धीमी आँच पर, तेज नहीं करना है गैस को। कुकर में हमने 2 सीटी लगा ली हैं, आप देख सकते हैं। तो 5 मिनट के बाद हम कुकर का ढक्कन खोल के देख लेते हैं, आप देख सकते हैं सब्जी परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। अब हम गरम गरम सब्जी को एक कटोरी में सर्व कर लेंगे। आलू टमाटर की सब्जी को हमने सर्व कर लिया है। अब हम खीरा की सैलड रखते हैं, आप अपनी मनपसंद की सैलड रख लीजिएगा। यहाँ पे हम पतली वाली रोटियाँ सर्व करेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे फ्राई किया हुआ पापड़ सर्व कर लेते हैं। आलू टमाटर की सब्जी के साथ आप चावल भी सर्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की थाली आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज की थाली पसंद आई हो तो मेरी YouTube चैनल मम्मी विलेज रसोई को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।